ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड इवनिंग। अभी हम कल जो बच्चे पूरा सेशन इधर अटेंड किया है उन बच्चों का थोड़ा दो दो मिनट का उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, बाद में पेरेंट्स के साथ बच्चों को सर्टिफिकेट प्राइजेस दिया जाए। Okay, you will come forward to share your experience. Come fast. Don't mess it up. Girls, you should also get ready. You are not coming forward for anything. Oh my. Jaldi jaldi aao. You will be come. Anyone come? Fast. You. Very good. Give him clap. What's your name? You tell me one thing. You were class. You were school. Then you share the experience. I am Ankur Tiwari, student of SDM International School. I am studying in class 10th. पहले तो मैं मंजूनाथ भाई को और वाइस मिस्टर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने माइंड मेमोरी एंड मेडिटेशन इतना अच्छा टॉपिक पे मतलब हम लोग कुछ बताने की सेव किया कि हम कुछ बताने के हम लोग बुलाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठ कर ये सब सुन रहा हूँ। दोबारा कल और आज दो दिन हुए मुझे यहाँ, मैं दो बार तो यहाँ बैठ के आगे बैठ के आपको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मेन चीज हमारे विद्यालय में सिखाई जाती है, हमारे विद्यालय पहला पीरियड रखता है संस्कार का, जैसे सारे वो आपको लेते संस्कार का पीरियड रखना चाहिए। हमारे विद्यालय में पहले संस्कार का पीरियड रखता है और दुबे आचार्य जी जो मैंने क्लास टीचर भी हैं वो हमें पढ़ाते हैं संस्कार वाले, वो भी यही कहते हैं कि चलो आपके मार्क्स कम आ जाए लेकिन संस्कार अगर नहीं होगा तो आप बिठा रहे। संस्कार सबसे जरूरी चीज है और यही मंजूनाथ भाई ने भी यही हमें बताया कि संस्कार पहली चीज है। हम जो भी सोचते हैं बोलते हैं उसका एक तरीका होना चाहिए, वही सब एफर्ट लगता है। यही मंजूनाथ भाई ने सिखाया। हमारा जो सोल है ना उसका तीसरा हिस्सा संस्कार में ही आता है, पहला माइंड इंटेलेक्ट फिर इंप्रेशन। इंप्रेशन ही तो संस्कार है। हमारे मन में छाप छूटती है और वो छाप जो है ना वो संस्कार ही है। तो सबसे जरूरी चीज जो मैं यहाँ आके सीखी वो क्या है, वो संस्कार नहीं सीखी। और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। I am Shilpesh Bajpayee studying in class 10th from SDM International. कल और जो हम लोगों ने सीखा हम सभी स्टूडेंट्स से मिलके वो लिटरली हम लोगों के फ्यूचर में काफी अच्छा है। लाइक माइंड मेमोरी एंड मेडिटेशन, मेमोरी जरूरी है और करियर बनाना भी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने माइंड को एटलीस्ट कंट्रोल ना करें, उसके साथ कोऑपरेट करें ताकि वो अगर हम लोग को किसी गलत राह पे लेके जाए तो हम लोग उससे बोल के उनको सही राह पे लेके आए, एज मिस्टर मंजूनाथ ने हम लोगों को बताया था। साथ ही साथ सर ने जो हम लोगों को कल एक मेमोरी ट्रिक बताई वो भी काफी यूजफुल थी हम लोगों के। संस्कार की बात आती है तो वेल हम सभी ऑब्वियसली अच्छी फैमिली से आए हैं, पर संस्कार हम लोग को जितने अच्छे मिले वो ज्यादा उतना ही हम लोग के फ्यूचर भी अच्छा है। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक माय स्कूल कि उन्होंने हम सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग यहाँ पे आके एक अच्छे टॉपिक के बारे में बात कर सकें। थैंक यू टू एवरीवन। ओह वेरी गुड। सभी वॉलंटियर आ जाना है तभी तो हमको ये हमको एक चांस है आपके पेरेंट्स और सभी के साथ शेयर करने के लिए, इतना गोल्डन मोमेंट है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सर पंचली और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ एंड एज अ मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। कल जो आपका प्रोग्राम हुआ माइंड मेमोरी मेडिटेशन का एक बहुत ही इफेक्टिव का बहुत ही अच्छा था, मतलब किस तरह से अपने माइंड पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। यूजुअली हर जो बच्चे होते हैं वो अपने मतलब राइट लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं, राइट हैंड जो कि रट के चीज को समझते नहीं, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको राइट ब्रेन कितना यूज कर रहा है। इस तरह से वो चीज़ों को सीख सकते हैं, रट नहीं सकते। मेडिटेशन से किस तरह से जो माइंड को कंट्रोल पा सकते हैं, डिस्ट्रेस स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे सिखाई गई। तो मैं स्पेशल थैंक्स स्कूल के प्रिंसिपल को, अनुपम दीदी को दे रहा हूँ।
क्लास 8 में पढ़ता हूँ स्पॉट पर स्कूल में। कल जो हमारे मंजूनाथ भैया ने हम लोग को सिखाया वो बहुत अच्छा था। उन्होंने को ये सिखाया कि हम लोग को अपने लेफ्ट हैंड की जगह पे राइट हैंड को ज्यादा यूज करना चाहिए। हम लोग को एक हार्ड रनर की जगह एक स्मार्ट रनर बनना चाहिए। और मंजूनाथ भैया जी ने हम लोग को ये भी सिखाया कि हम लोग बहुत सारे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं और हम लोग अपने सो के बारे में बताया। Good evening to everyone and all here. I, Prince Kumar Dwivedi, from SGM International School, Inganda. First of all, I would like to send my heart gratitude to Honorable Manjunath Bhaiji, who has transferred his life and after that he is rendering such a great service to the society. मैं सर्वप्रथम यहाँ जो हमारे आदरणीय भाई जी जिन्होंने हमारे विद्यालय के बच्चे और कानपुर के विद्यालयों के बच्चों को इकट्ठा कर इस प्रकार के जो कार्यक्रम संचालित किए इसके लिए बहुत बहुत हृदय से बधाई। और ऐसे कार्यक्रम और भी संचालित होते हैं ताकि हमारे बच्चे वास्तव परमात्मा के विषय में सीख सकें, क्योंकि हम विद्यालय में अपना सब्जेक्ट नॉलेज तो देते हैं लेकिन जो बच्चे के अंदर किस प्रकार से जो गुण उत्पन्न होते हैं। और जो हमारे भाई जी ने कल हमको जो मेमोरी टेक्निक सिखाई, आई बी ए टीचर आई हैव बीन डूइंग टू मैनी थिंग्स बट दिस वाज टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी कि हम किस प्रकार से एक स्टोरी क्रिएट करते व्हाट्स एवर इज प्रेजेंट जो भी हमारे पास उपस्थित है उसमें एक स्टोरी क्रिएट करके और बच्चों को जो है उनको समझाएं और बच्चे आगे बढ़े। दूसरी बात जो आपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात बताई उसमें भी जो है बच्चों को ये समझने के लिए हम समझाने के लिए भी प्रयास करेंगे। और जो हार्ड वर्कर वी ऑलवेज राइट ऑन द रिपोर्ट कार्ड हार्ड वर्क नीडेड एंड सच एंड सच बट एंड विद हार्ड वर्क वी शुड ऑल्सो ट्राई टू make our student smart worker. So this was the difference that I found here. And basically I am related to Vidya Bharati and RSS. And I have attended too many such human camps and civil होते हैं Vidya Bharati के जाते हैं विद्यालय में तो हमारे अंदर nationalistic feelings जो राष्ट्रीय भावनाएं होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आकर के जो हमने देखा आत्मा के विषय में परमात्मा के विषय में really I find it very 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 charming and very very life transforming program for us. And I also because I been living in Kanpur in Kalyanpur and so I got now the address and I will also go and try to transform my life also. Thank you. बहुत 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 अच्छा लगा सर आकर के मॉर्निंग में अपना अनुभव सुनाया और सभी को भी कोई इंटरेस्ट बढ़ाया। यहाँ भी जो पेरेंट्स बैठे हैं आप भी अपने कोई आकर के अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो पेरेंट्स आया है। अनुभूति दीदी के क्लास में इंग्लिश में भी जानते और हमारी बेटी अभी आई थी अंजलि वो 12th में पढ़ती है उसमें उत्पन्न भी हो गई उम्र आई है 5 से। बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो हम तो उसको योग करते हैं तो करते ही हैं
लेकिन बच्चों पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे हमारे घर इस ध्यान में आते हैं तो घर और स्कूल दोनों को उनको मैनेज करना काफ़ी अच्छे से आता है। और बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं, हमको उनको बोलना नहीं पड़ता कि आज तुमको क्या पढ़ना है, कब उठना है, क्या करना है। और हमारे सभी तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चे पढ़ते हैं, बिना योग लगाए स्कूल नहीं जाते। और जब भी कोई पेपर होता है बिना दीदी का आशीर्वाद लिए कोई पेपर नहीं जाते। बस और